हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा आज फिर से आपके लिए एक कॉस्मेटिक रिव्यू करने वाली हूँ। तो आज जो प्रोडक्ट मेरे पास प्रेजेंट है, ये है हिमालय एंटी हेयर फॉल क्रीम। तो मैं बात कर लूँगी कि ये प्रोडक्ट मुझे कैसे लगा पर्सनली, और 5 में से मैं इस प्रोडक्ट को कितना रेटिंग देना चाहूँगी। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, एज यू नो कि मैं आज हिमालय एंटी हेयर फॉल क्रीम का रिव्यू करने वाली हूँ। तो इसमें बात कर रहे हैं कि इट रिड्यूसेस द हेयर फॉल, प्रमोट्स द हेयर ग्रोथ एज वेल एज इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ब्रिंगराज और आंवला। सो ब्रिंगराज जो है गाइस, ये बहुत ही एंशियंट टाइम से, बहुत ही पुराने टाइम से इसको माना जाता है कि ये आपके हेयर फॉल को जो है कंट्रोल करती है। और आंवला की बात करते हैं, ये हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करती है अगर आंवला जो है वो मेन इंग्रेडिएंट यूज्ड किया गया है। तो इसकी जो मेन क्वांटिटी है, नेट क्वांटिटी इसकी 100 ml है। इसकी जो MRP है गाइस, इट इज़ ऑफ 75 rupees। ये बहुत पहले टाइम से मैं खरीदी हुई थी, इट वुड बी अप्रॉक्स 8 to 9 months जब मैं खरीदी तब मुझे लगा था कि मैं इसको यूज़ कर लूँगी, बट स्टिल आई हैव नॉट कम्प्लीटेड वेल यूजिंग दिस प्रोडक्ट। अब इसकी जो एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये 2017 है दिसंबर, और जो इसकी एक्सपायरी है ये 2020 है। अब इसमें डायरेक्शंस, दे हैव गिवन यू द डायरेक्शंस, और डायरेक्शन में मैं आपको सिंपली बता दूंगी कि ये क्या बोल रही है। तो ये प्रोडक्ट ये बात कर रही है कि आप अपने हेयर वॉश के पहले या फिर हेयर वॉश के बाद इस प्रोडक्ट को जो है आप अपने हेयर्स पे यूज़ कर सकते हैं, और अपने मतलब इस इफ़ेक्टिव रिजल्ट के लिए आप इस प्रोडक्ट को डेली यूज़ कीजिए। तो ये डायरेक्शन में आपको बताया गया है इस प्रोडक्ट के बारे में। मैं अब इसको ओपन करके आपको बताऊंगी गाइस कि मैंने कितना पार्ट जो है यूज़ किया गया है। सो एज़ यू कैन सी गाइस, हाफ भी मैं बोलूँगी सो आई थिंक कि ये सही नहीं होगा, बट येस यू कुड से इट एज़ कि मैं हाफ पोर्शन जो है इस प्रोडक्ट का कवर की हूँ। ऑल दो इसकी एक्सपायरी जो है नेक्स्ट मंथ है, बट स्टिल व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दिस प्रोडक्ट, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। सो जहाँ पे आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने की बात किया जा रहा है या फिर रिड्यूस करने की बात हो रही है, बट वहाँ पे अगर आपको ये हेयर क्रीम लगाने के बाद अगर हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, सो आई थिंक दैट वी शुड लुक आफ्टर दिस प्रोडक्ट की वेदर इट इज़ स्वेटेबल फॉर आर हेयर्स और नॉट। तो मेरे हेयर्स के रिगार्डिंग गाइस, ये प्रोडक्ट मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं था। ये प्रोडक्ट मैं हाफ पोर्शन यूज़ करने के बाद आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि सही में, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग रेगुलरली, क्योंकि जहाँ पे मेरे को लगता है कि रेगुलर यूज़ करना भी बहुत सही नहीं है। हर रोज़ हम हेयर वॉश नहीं कर सकते, सो डेली की अगर बात कर रहे इफेक्टिव रिजल्ट के लिए, वहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि वी कुड बी सो सिंसियर टू यूज़ दिस प्रोडक्ट रेगुलरली। मैंने इस प्रोडक्ट को गाइस ऑल्टरनेट डेज यूज़ किया हुआ है, सो ऑल्टरनेट डेज में ही मुझे ऐसा लगा कि यस दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड फॉर माई हेयर्स। आई डोंट नो गाइस कि वेदर ये हो सकता है आपके हेयर्स के लिए स्वेटेबल हो, आपके हेयर्स के लिए बहुत सही हो, बट मैं इसको हर रोज़ यूज़ नहीं करती थी, मैं इसको ऑल्टरनेट डेज यूज़ करती थी, और उसके रिगार्डिंग मैं इसको रिव्यू दूंगी अगर रेटिंग देना पड़े। गाइस हिमालय जो है गाइस बहुत ही सही कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है हिमालय का। मैं हर एक चीज़ ज़्यादातर हिमालय का ही यूज़ करती हूँ, बट ये प्रोडक्ट जो है आई एम कम्प्लीटली नॉट सेटिस्फाइड वेल यूजिंग दिस क्रीम और माई ईयर्स। मैं और एक क्रीम का भी रिव्यू करूँगी गाइस, वो भी हिमालय का ही है। वो क्रीम में मैं 100% सेटिस्फाइड थी, बट ये क्रीम में मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हूँ। तो अगर मुझे ओवरऑल रेटिंग देना पड़े तो मैं अपने पर्सनल यूज़ के रिगार्डिंग मैं इसको 2 रेटिंग देना चाहूँगी आउट ऑफ 5। इसकी स्मेल बहुत सही है, इट्स अ क्रीमी इन नेचर, इट्स अ वाइट, इट्स द मिल्की वाइट इन कलर। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि हाँ ये क्रीमी इन नेचर, इसकी स्मेल गाइस बहुत बेहतरीन है। तो अगर आप हेयर क्रीम लगा रहे हो एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं आज लगाऊंगी और कल हेयर वॉश करूंगी, नो प्रॉब्लम, स्मेल जो है काफ़ी ज़्यादा पंजेंट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो। बाकी ये प्रोडक्ट का बस इतना ही गाइस कि मैं 2 रेटिंग देना चाहूँगी आउट ऑफ 5। वेल अगर आप इसको अभी तक नहीं उठाए हो तो आप उठा के मुझे बताओ कि ये जो क्रीम है एंटी हेयर फॉल क्रीम, ये आपके हेयर्स के लिए कैसे रहा इन माय कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी हो सकता है गाइस कि ये प्रोडक्ट आपको
सूट करे, आपके हेयर्स को सूट करे, आपको लगाने के बाद ऐसा लगे कि नहीं ये क्रीम बहुत अच्छी है। तो आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप रेटिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसको 5 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे, सो दैट जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, दे विल कम टू नो वेदर दे शुड पिक दिस प्रोडक्ट और नॉट। सो दिस इज समथिंग अबाउट द हिमालय एंटी हेयर फॉल क्रीम। आई होप गाइस कि आप ट्राई ज़रूर करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट टुडेज़ वीडियो। सी यू सून गाइस विद अ नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू। टिल देन बाय गाइस।